बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब घर ऐसे होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शादोबाद रखे, हर आने वाले दुख तकलीफ तो नजात से दुआ ना। इदा ब्लॉग शुरू कर दें, शुरू करने तो पहले छोटी जी अर्ज कर दें, जिस मेरे भैन मिसरा ने इदा फैमिली ब्लॉग चैनल सबसक्राइब नहीं किया सबसक्राइब करो, बैल का बटन प्रेस करो ताकि साड़ी आने वाली हर वीडियो तेरे को टाइम तक पहुँच सके। अज की वीडियो में कुछ इस तरह वा कि मैं बना रही हूँ खाना, खाने में जो चीज़ बना रही मैं ज़रूर अपनी भैन भी शेयर कराँगी कि आज मैं क्या चीज़ बना रही हूँ, क्या नहीं। मैं बना रही हूँ खाना, तो उस तो पहले मैं प्याज और लहसुन अदरक सब्ज़ मिर्च ये मैं मशीन चॉक कर ली, और टमाटर भी कट के रख ले, पाउडर मसाले भी पा रहे मैं बिच, हल्दी नमक गरम मसाला और खुश्क धनिया ते रेड मिर्च, और दाल मैं कोल बिल्कुल क्लीयर करके रख ली है जी। तो अज बना रहे हैं जी दाल, अज मैं दाल बना रही हांडी के, तो हांडी बहुत मजे की दाल बनती है, तो मैं क्या चलो जी मैं अज हांडी की दाल बनानी है। अग मैं जला ली हुई है और मैं बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। तेज साढ़ा गर्म हो गया, उन्हें प्याज ऐड कर दें, प्याज ऐड कर दिते ने अच्छे तरीके, प्याज भुज जान हल करके ब्राउन हो जाए, फिर इन बाकी मसाले जो ऐड करेंगे। प्याज जी हल्के हल्के ब्राउन हो गए ने, ये कर दें जी टमाटर ऐड, और इन्हें मिक्स कर लेने जी, ये सब्ज मिर्च अदरक लहसुन चौकी पर ऐड कर दें, अच्छे तरीके मिक्स कर दें, अच्छे तरीके मिक्स हो जाते हैं, जरा टमाटर भी गल जाते हैं, उस बाद पाउडर मसाले ऐड करेंगे। लो जी मसाला अच्छे तरीके प्याज वगैरह हर चीज़ ब्राउन मिक्स हो गए, उन्हें ये पाउडर मसाले ऐड कर दें, अच्छे तरीके इन्होंने भुना, अच्छे तरीके भुज जान, फिर इन मैं दाल पानी भेंक रखी हुई है, फिर मैं दाल ऐड कर दी, मसाला अच्छे तरीके भुज जाए, फिर मैं रोज अच्छे तरीके मसाला वगैरह भुज गया, हम मैं ये दाल ऐड कर दिनी हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी दाल ऐड कर रही जी, ये अज मैं बॉल दाल नहीं पाई, अज मैं परात के रखी दाल हाथ की मदद नाल, दाल ठीक है, अच्छे तरीके पहले मिक्स कर लेंगे ताकि फिर पकड़ी जाएगी। लो जी दाल अच्छे तरीके मिक्स हो चुकी है, और मैं ये हम पानी ऐड कर दिनी हूँ, दाल में देखो जी घेव छड़ दिता, अच्छे तरीके दाल भुज गई, मैं पानी ऐड कर दूँ, ये हांडी इस तरह की है, ये दाल बहुत सोहनी पकड़ी है, बड़े अच्छे तरीके बिल्कुल गल जाती है, तो मेरे बच्चे ना दाल घुली हुई बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, खड़ी दाल नहीं बिल्कुल भी खाते। लो जी पक के अपने हिसाब के पानी हिसाब से पाया, इन्ना ज़्यादा नहीं पाया, अगर पक के ज़रा अच्छे तरीके घुल जाएगा, तो इस हांडी बहुत ज़्यादा सेक लगता वा, बहुत ज़्यादा हांडी गर्म, तो चीज़ ये तैयार हो भी जाए फिर भी माशाल्लाह पकती रहती, हूँ मैं उपर दिनी जी ढक्कन हांडी पक्कन दिनी हाँ, ढक्कन देता ढक्कन मैं नवा लिया के सीधा पहले लै मिलिया नहीं सी नाल ढक्कन, तो कहते ढक्कन शार्ट होया, फिर मार्केट गई सी मैं, तो फिर मैं यह नवा ढक्कन लैके आई सी, इस हांडी उपर जी वाला ढक्कन देता, बहुत प्यारी हांडी है, तो बहुत प्यारा ही ये सालन बनता माशाल्लाह, बहुत मज़ेदार सालन बनता, इस हांडी में वैसे भी माड़ी मोटी भी सालन बनाओ तो बहुत टेस्टी बनता वा। आज मेरे घर लोहे दियां स्लेपां दियां पईआं सी,
मैं आराम दे नाल टेबल बनवा लिया जिदे उपर मैं चूल्हा वगैरह सैट किया हो, क्यों अंदर जड़ा ना गर्मी बहुत ज़्यादा होंगी है बाज कत। यह वाला जी टेबल जड़ा बनाया वा लोहे का स्टैंड आ, लोहे का वा तो बहुत प्यारा करके उन्हें बनाता भाई ने, तो यह फिर मैं जो कभी मार्केट जावगी फिर ये उपर लिया के शीट अच्छे तरीके की कोई बिछावगी। हाले तो यह मतलब गुजारे मुताबक रखी हुई वा, तो बहर इतने मतलब या दरखत की छां के थले मैं चूल्हा वगैरह सैट किया हो, माशाला जरा भी इतने बहुत मजे की चीज़ बन जाती है, गर्मी इन्नी नहीं लगती महसूस नहीं होंगी। आ जो सिलेंडर कह दी हाँ सॉरी, आ मैं एयर कूलर का भी स्टैंड बनाया पानी वाले कूलर का, यह स्टैंड बनवाया इन्होंने ही मैं ना कुछ सरिया पिया कुछ है वाला स्टैंड मैं बनवाया वा, यह वाला पानी वाला कूलर का स्टैंड, पानी वाले कूलर का स्टैंड तो इन्हें मैं दरखत के थले रखा हुआ वाहवा जानी कि छां रही है, तो बच्चे चलो पाते हैं सुकून ना पानी तो कूलर भर के एक कोला बजे बर्फ का पा देनी होनी है, सुकून ना बच्चे जरा सारा दिन पानी वगैरह इस्तेमाल करते रहते हैं। तो यह वाला भी यही मैंने बड़ी मतलब सहूलत हो गई है, टेबल की बहुत प्यारा सहूलत हो गई है, टेबल भी माशाल्लाह वड्डा सारा वा छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा टेबल है, पहले लोहे का सी छोटा जिन्ना, तो मैं इतने वो अगले पहले वाला उठाता तो यह वाला मैं इतने सैट कर लिया, उन्हें तो उपर है ना शीट लिया के बिछावगी एक लाजमी इस बूटे के थले जी, माशाल्लाह मैं चूल्हा वगैरह सैट किया हो, चिड़िया का घोंसला भी है ये उन्होंने बच्चे निकाले से घुग्गी ने उड़ा के लै गई, वह बच्चा व्डा हो गया उड़ा के लै गई, दोनों उड़ा के लै गई। माशाल्लाह जी मैं दाल देख ला, दाल कितने पहुंची बहुत, दाल तो बहुत बेहतरीन बन गई देखिए, ये माशाल्लाह बहुत प्यारा सालन बनता, बहुत प्यारा सालन तैयार होता माशाल्लाह, दाल बिल्कुल रेडी हो गई। और ये मैं थोड़ा जिन्ना गर्म मसाला ऐड कर दिनी, क्यों मैं पहले भी ऐड किया दोबारा, तो थोड़ा जिन्ना ऐड कर दी, बहुत प्यारा सालन माशाल्लाह बन गया। हूँ जी दाल जी माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुकी है, मैं रोटी बना ला गर्म माशाल्लाह मैं रोटी भी बना रही हूँ, मैं क्या फटाफट रोटी बना ला ताकि बच्चे आए हैं स्कूल चो तो उन्होंने तो रोटी नहीं बनी सी, पहले मैं सालन तैयार किया वा हांडी मैंने जी उतार के मैं फटाफट रोटी बना रही थी बच्चों वास्ते। चुप रोटी जी बस चलिए रोटी मैं क्या बना ला फटाफट ताकि सालन मेरा तैयार हो गया, उस तो बाद फटाफट रोटी बना रही है, बना के नाल नाल ही बच्चों दे रही हैं पा के, रजवाना ने भी देती बच्चे रजवाना के बच्चों ने भी खा रहे ने बैठ के रोटी, तो मेरे बच्चे भी माशाल्लाह खा रहे ने नाल नाल बना रही हैं और नाल नाल दे रही हैं रोटी, मैं चलो तुम रोटी खा लो मैं गर्म गर्म बना रही हूँ, दो रोटियां होर बनावगी एक मैं अपनी बनावगी दो मैं जैन के पापा दियाँ बनावगी, क्यों उन्होंने भी थोड़ी देर तक आ जाना वा तो फिर मैं चूल्हा क्लोज कर दाँगी बंद कर दाँगी चूल्हा, जो भी दोपहर के खाने के बर्तन वगैरह हो गए वो मतलब उठा लाँगी, जो सारा दोपहर का खाना बनया दोपहर का खाना बनाया बच्चों तो सारी गल रोटी सालन की जरूरत है ना, कम नहीं खत्म होते सुबह तो उठीदा वा सारा दिन काम कर करके बंदा जो सुबह भी थक जाता वा घर के खत्म नहीं काम नहीं खत्म होते, हम जैन कह दिया मम्मा मेरा यूनिफॉर्म भी धो दो हिसाब लाने कोई देखते हैं ना हो तो फिर मशीन लगावे कोई एक दिन सारा मेरे को कल का देना सारा जिदे कि मेरे बहुत सारे काम आ, फिर मैं असी मैं मुलाद का भी जाके लैके आना समान वगैरह जो मतलब के देग वगैरह का समान होगा वह भी लैके आवानी जाके जैन के पापा और मैं दोनों जावे तो सारा दिन फिर इस काम च ही गुजर जाता वा, तो इस करके मैं क्या बच्चों ने पहले खाना खिलाना फिर जिमें जैन के पापा आने तो खाना खाने फिर असं जरा मार्केट तक जावे चक्कर लगावे इन्ना प्यार करेगा। लो
ਲੋਦੀ ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੱਕਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹਾਂਗੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਖਾਣੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਅੱਜ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਾਂਗੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਈਆਂ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ अगर मेरे भैन भैया मेरी यह वाली वीडियो अच्छी लगी पसंद आए लाइक करो शेयर करो कमेंट में सारा जरूर दस्यो रब सोने के हवाले अल्लाह।